उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने सेना भर्ती में असफल होने पर आत्महत्या करने वाले बागेश्वर के कमलेश गिरी के परिजनों से फोन पर बात कर संवेदना प्रकट की। उन्होंने घटना को बहुत दुखद बताते हुए दिवंगत की आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है। उन्होंने परिवार को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार शोक संतप्त परिवार की हर संभव सहायता करेगी। आपको बता दें कि बागेश्वर जिले के कपकोट तहसील के फरसाली गांव निवासी 20 साल के कमलेश गोस्वामी पुत्र हरीश गोस्वामी ने घर में रखा जहरीला पदार्थ गटक लिया था। स्वजन उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाए, जहां डॉक्टरों ने जिला अस्पताल उसे रेफर कर दिया और बीते सोमवार की रात लगभग 11:30 बजे उसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि कमलेश सेना में जाना चाहता था, उसने अग्निवीर की भर्ती दी थी। वह मेडिकल और फिजिकल में पास हो गया था, लेकिन सोमवार को जब अग्निवीर का रिजल्ट आया तो कमलेश उसे देखकर बुरी तरीके से टूट गया, क्योंकि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था। इस असफलता को कमलेश सहन नहीं कर पाया और उसने आत्मघाती कदम उठा लिया। मौत से पहले कमलेश ने एक वीडियो बनाया जो कि अब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कमलेश ने रोते रोते पूरी बात बताई। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश ऐठानी ने बताया कि वह 3 भाई हैं, जिसमें एक भाई प्राइवेट नौकरी करता है और दूसरा दुकानदारी करता है। कमलेश इन सब में सबसे छोटा था। कमलेश के पिता भी दिल्ली में प्राइवेट नौकरी करते हैं, वह अपने परिवार का सबसे छोटा था। कोरोना काल से फौज में जाने की तैयारी कर रहा था कमलेश, पिछली बार भी वह असफल रहा। इस बार कमलेश अग्निवीर भर्ती में फिजिकल और मेडिकल में फिट था। एनसीसी का सी सर्टिफिकेट भी उसके पास था। बीते सोमवार को भर्ती का परीक्षा फल आया, वह तब ट्रैक्टर से खेत जोत रहा था। घर आने पर मोबाइल पर रिजल्ट देखा और असफल होने पर जहर घटक लिया। कपकोट के पूर्व विधायक ललित फरसवाण ने कहा कि मृतक ने सेना के लिए काफी मेहनत की, अगली भर्ती में उसकी उम्र अधिक हो जाती